इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्ला की लीडर का बड़ा बयान सामने आया है। इसराइल को हिजबुल्ला की सीधे धमकी दी गई कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। उसने कहा है कि इसराइल के खिलाफ अभी जंग जारी रहेगी, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार गए। इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला के टैंकरों का जमावड़ा है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के उप प्रमुख का कहना है कि इसराइल नरसंहार कर रहा है। कासिम का कहना है कि इसराइली सेना नागरिकों की हत्या और नरसंहार पर उतर आया है। उसने कहा अमेरिका इसराइल का साझेदार है, उसे सांस्कृतिक, राजनीतिक और वित्तीय रूप से असीमित सैन्य सहायता लगातार मिलती जा रही है। आपको बता दें ये हिजबुल्ला के प्रमुख नसरल्ला की हत्या के बाद पहली बार है जब कोई हिजबुल्ला अधिकारी भाषण दे रहा है और लगातार बड़े बयान सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्ला की लीडर का बड़ा बयान सामने आया है। इसराइल को हिजबुल्ला की सीधे धमकी दी गई कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। उसने कहा है कि इसराइल के खिलाफ अभी जंग जारी रहेगी, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार गए। इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला के टैंकरों का जमावड़ा है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के उप प्रमुख का कहना है कि इसराइल नरसंहार कर रहा है। कासिम का कहना है कि इसराइली सेना नागरिकों की हत्या और नरसंहार पर उतर आया है। उसने कहा अमेरिका इसराइल का साझेदार है, उसे सांस्कृतिक, राजनीतिक और वित्तीय रूप से असीमित सैन्य सहायता लगातार मिलती जा रही है। आपको बता दें ये हिजबुल्ला के प्रमुख नसरल्ला की हत्या के बाद पहली बार है जब कोई हिजबुल्ला अधिकारी भाषण दे रहा है और लगातार बड़े बयान सामने आ रहे हैं।